तो ये वाला व्यू देख के आपको लग सकता है कि शायद हम मनाली में आ गए हैं, तो भैया ने बोला, मगर मनाली नहीं है, राजस्थान में है, कुंभलगढ़ में। ओ तेरे तो आसमान में जाएगा आज। और भी भैया ने हमारे को बताया कि इसमें पानी कभी कम नहीं होता, इतना ही रहता है। देखो हमारा ना अभी क्या सीन है, मेरा और यशवी का, जितने भी हम पैसा जो सेविंग होती है कुछ भी होता है, पूरा हम चैनल चलाने में डाल रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं। क्या है सच में, इट्स नॉट इजी। तो अगर आप लोग सपोर्ट जितना कर सकते हो ना, तो अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं बादल गेस्ट हाउस की तरफ, और आपको शायद लग सकता है कि गेस्ट हाउस है तो कैसी ऐसी बात है, मगर बात है कि ये सबसे ऊंचा गेस्ट हाउस है ना यहाँ पर, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और कौन सा महीना बोला आपने मजा आता है इसमें सबसे अच्छा लगता है? सावन का। सावन, अच्छा, उसने। और रात में देखने में जी, तो कह रहे हैं रात में जब यहाँ का नज़ारा होता है ना, जब आप गेस्ट हाउस से नीचे देखो, जन्नत जैसा होता है, क्योंकि नीचे पूरा जगमग दिखता होगा ना। हाँ, उस तरफ क्या था, मेवाड़ ना, मारवाड़, वो पूरा जगमग दिखता होगा। यार अपनी गाड़ी ले जानी तो मुश्किल हो जाएगी है ना। तो ये जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर, इस पे सिर्फ जो सरकारी उसमें है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही आ सकते हैं सिर्फ। देती हूँ, अच्छा। ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है और यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है। नीचे किनका ऑफिस है, वहाँ से आपको अपनी पर्ची कटवानी है कि आपको कितने दिनों के लिए रुकना है। मगर कोई भी थोड़ी रह सकता है, तो कह रहे सिर्फ सरकारी वाले रह सकते हैं ना, प्राइवेट भी कोई भी रह सकता है। अलाउड है, हाँ कोई भी रह सकता है। तो खाना वाना सब यहाँ पे भी है, वरना आप नीचे से भी अपना लेके आ सकते हो। ऊपर ज्यादा ऊपर आ गए हैं, फोर्ट से भी ऊपर है अब, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ही है ना सबसे कुंभलगढ़ का। सब रोड देखो नीचे, वो फोर्ट दिख रहा है, वाह। घूमने का मजा आता है बारिश में, अरे रिमझिम बारिश रहती है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, हाँ। ये वाला एरिया और कुंभलगढ़ फोर्ट एक महीने तक दिखता नहीं है, इतना कोहरा जो होता ना, हाँ, बारिश का चक्कर में। तो ये ओपन, ये जो है सफारी जीप वगैरह, इसमें हम चलाते हैं बारिश में होते हैं सर। आप कभी भी आओ, आपकी सेवा में हाजिर है। अरे सर आपका तो बस अभी नंबर वंबर ले लेंगे, क्यों आदिवासी के बच्चे हैं सारे। बच्चों क्या नाम है अपना, नाम क्या है आपका? भरत। आपका? विक्रम। अरे वाह विक्रम, भरत क्या बात है। हमारा मनीष। हमारा बालगिला। आप ये काम करते हो? स्कूल भी जाते हो? जाते हैं। स्कूल भी जाते हो? मेरा नाम राकेश। अच्छा। अरे इसका नाम रह गया, राकेश भी है भाई। टाकले का मुगे। ये भी पंपो इन अंशा। रोड ब्लॉक। डैनियल ब्रायन। जयश्री उठा ले बकरी, कल तूने बकरी उठानी थी जो। ये पाकिस्तान बॉर्डर जो आता ना जैसलमेर वाला, वहां तक पूरा प्लेन एरिया है। ये वहां तक जाता है ये पूरा ऐसे ही? हाँ ये वहां तक पूरा प्लेन है, जैसलमेर के पूरा वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। बताओ नाइट में यहाँ पे कब तक सफारी, मतलब सफारी कह रही हूँ, अगर कोई आता है मैम, आप आपकी पर्सनल गाड़ी लेके भी आ सकते हो। अच्छा। और आप जिप्सी लेके भी आ सकते हो। वो दिख रहे होंगे नीचे जो आदिवासी औरतें हैं, ये पूरी नरेगा में इनका काम चल रहा है, यहाँ पे बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें बनाते हैं, और इनका जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है उसका इन्हें कुछ पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब इंसान तो और भी गया है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जानवर ही आया था। जानवर ही आया क्या, आज देखा जाए तो ये डेरा जानवरों का ही है। हाँ तो बीच में हमने बसाया है कहीं कहीं, ये सारे जो ये ट्राइबल देख रहे हो ना, आज ये घर वगैरह, ये सारे आदिवासियों के मकान ही है यहाँ पे। अच्छा आदिवासी के खेल रहे हैं यार, क्या बात है। झूला देखो इनका, झूला झूल के दिखाओ कहते पूरा। ओहो ओहो ओ तेरे तो आसमान में जाएगा आज। तेल वेल भरवाते हो? हाँ। लाइट से चलता है, किससे चलता है? खुद ही जुगाड़। अरे ये तो हमने बहुत खेला है, गलियों में ले लेके खूब। ये सरसों की खेती है। तो सरसों की खेती है ये?
कट रहा है अभी एकदम प्योर सरसों मिलता है तेल। इसका तेल थोड़ा सा आदमी में, लेकिन ऐसे करके आप लगा दिया ना सर, आगे वाके मतलब पूरा जलन करेंगे। हर चीज मिल रही है मैम हमारे यहाँ पे, हर साल में हर फल मिलता है। कस्टर्ड एप्पल हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, हर चीज मिलेगा आपको। जैसे बायोडीजल बनता ना, बायोडीजल वाले पेड़ भी हैं यहाँ पे, वो लोग इकट्ठा करके उसका साबुन बनाते हैं, उसका ऑयल निकलाते हैं, बेचते हैं। ऐसे यार क्या बात है, तो सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये वो कहता हूँ कि जब भी आप किसी जगह पर आओ ना, तो आपको ये चीज़ें खुद से कभी पता नहीं चलेंगी, कभी भी नहीं आपको। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप, मैं भैया का भी नंबर डाल दूंगा ना भैया, मैं आपका अपने इसमें इनका भी मैं नंबर डाल दूंगा, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना इनको एक बार फ़ोन ज़रूर करना। ये आपको जो घुमा के जो बातें बताते हैं, जो आपको घुमाएंगे, आप खुद से कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए किसी भी लोकल जगह जाओ तो वहाँ पर किसी न किसी ऐसे जो घुमाते हैं उनके साथ जाओ, तो आपका अलग ही होगा। तो भैया बता रहे हैं कि जो पहले राजा महाराजा होते थे, जैसे डैम बनाई तो वहाँ पर उसमें किसी बच्चे को जैसे मार देते थे, कितने मतलब काफ़ी ज़्यादा मारते हो जाते थे ऐसे। मतलब ऐसा है, जितना बड़ा डैम होता था उतने बच्चे ला के डाल देते, उतने बच्चे ला के उन दीवारों में चुनवा देते थे ताकि उतनी मजबूत हो जाती थी दीवार। तभी उनकी जो उस टाइम की दीवारें हैं, जो एक किले हैं, आज तक खड़े हैं ऐसे। और भैया ने बताया जैसे हम फोर्ट में भी जब गए थे, कुंभलगढ़ में जो फोर्ट था, वहाँ पर भी लाखों लोग मरे हैं और उनको उन्हीं दीवारों में चुनवा दिया। तभी वो कहते हैं कि इतनी मजबूत दीवारें हैं कि भूकंप भी आ जाए तो गिरेंगी नहीं। सामने पहाड़ी देख रहे हो ना आप? हाँ, ये पहाड़ी 160 किलोमीटर लंबा माउंट आबू अरावली रेंज में मिला हुआ है। ओह, ये वाली जो पहाड़ी है 160 किलोमीटर की पहाड़ी है पूरी रेंज, और ये माउंट आबू में जाके मिलती है। माउंट आबू कितना दूर होता है यहाँ से? वैसे यहाँ से 160 किलोमीटर है माउंट आबू। एक और गांव है, कौन सा गांव है ये? ये वरदड़ा गांव है सर। वरदड़ा गांव, वाह पूरा हॉस्पिटल है यहाँ पर। यार देख यहाँ पे देख यार, चने की खेती है। हाँ जी, क्या बात है। सामने देखिए आप टॉप पे, कहाँ पर वो देखिए, ये सामने। अच्छा ये लव, ये ऊपर, ओ ये गुफा आपको दिख रही है, ये वाली परशुराम जी, ये जो परशुराम जी जो तपस्या करते थे ना। हाँ, वो इस जगह तपस्या करते थे परशुराम जी। जी, तो ये गुफा उस जगह निकल रही है जो मारवाड़ अपन जो गए थे ना अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये गुफा उस जगह निकल रही है जो इनके कुल देवता है भगवान भोलेनाथ, ये तपस्या यहाँ पे करते थे। नीचे जो मंदिर बना हुआ है बनास नदी का उद्गम स्थल है। हाँ जी, जहाँ कर्ण को धनुर्धन का ज्ञान दिया था परशुराम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उस टेम्पल पे अपन जा रहे हैं नीचे जो बनास का उद्गम स्थल है। कितनी लंबी, कितनी अंदर ये? ये 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर लंबी अंदर है, जो ऊपर से हम देख रहे थे। यहाँ से घुसते ना तो उस गुफा में निकलते है जमीन के अंदर से। अच्छा, वो जो वहाँ पे हम बैठे थे, जहाँ अंदर जाके बनास नदी का उद्गम स्थल है, पंचमुखी शिवलिंग है। और ये जो बाहर जो आप बाल्टी पड़ा हुआ कुंड देख रहे हो, हाँ जी, इसके अंदर पानी रहेगा कम से कम 3-4 फीट का ही पानी है, ना तो वो कम होता ना ज्यादा होता है। और आपका जो बिस्वेली जो वाटर होता ना, मिनरल वाटर भी फेल है इस पानी के सामने। अगर आप तो जरूरत पड़े तो आप उसको निकाल के टेस्ट जरूर करो। कुछ 3-4 फीट गहरा है ये, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे टर्टल भी है। और अभी भैया ने हमारे को बताया कि इसमें पानी कभी कम नहीं होता, इतना ही रहता है। वाह यार, पीना है श्री? हाँ ट्राई करती हूँ। निकालो, अब खोल दिया। तो कछुए को मत निकाल दियो। हाँ। बाल्टी में वो साथ ले आए। क्या बात है, कुएं से पानी निकाल। करो टेस्ट। हाँ पियो।
आप कहेंगे सर? नहीं सर, मेरा ठीक है। ब्यास का पानी पिया मैंने। ब्यास? एकदम फ्रेश। कौन सा नदी, कौन सा बोला है ना? बनास। बनास? बनास मैंने ब्यास। अरे ब्यास कहाँ, यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ ब्यास। और ये मंदिर है, अभी इसमें अंदर चलते हैं। मंदिर में सर ढक के जाना था और मेरे पास कोई दुपट्टा ही कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला इसी से ढक लो। वाह, छोटू से शिव जी, शिवलिंग और नंदी। पंचवटी शिवलिंग है, तो मैंने शायद सुना था कि शायद यहाँ एक ही है या और भी जगह होते हैं ये? नहीं, होते हैं, कम होते हैं, बड़े बड़े स्थान पे ये लगाए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से बनास नदी उत्पन्न हो रही है। वाह, कुछ आइडिया कहाँ तक जाती, कहाँ तक है ये? गुजरात जाएगी सर। गुजरात जाती है? गुजरात होते हैं पार करके। तो पानी निकल कहाँ से रहा है इसका? ये ऊपर से, तो वहाँ से निकला और यहाँ से फिर यहाँ खत्म हो गया ना, उसके बाद आगे कहाँ जाता है? आगे जाता है, पूरा नाला है। अच्छा, नीचे से? हाँ, गाड़ी लेके जाएंगे अपन। अच्छा, आगे नाला ही खुला दिख रहा है जगह। हाँ, अच्छा, वहाँ से नीचे से निकल में पूरा भरा था, यहाँ तक पानी आ जाता है। ओह, यहाँ तक। सो एक बार परिक्रमा पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा घूम के। जो होती है वो नहीं कर ली। यहाँ पे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि शांति होती है और साथ में जो खुशबू रहती है ना, उनका जो एक कॉम्बिनेशन है अलग लेवल है। बैग ले ले पहले। ये विभूति भी लेते हैं लोग? अच्छा, ये रही विभूति भी ले सकते हैं। ये कुछ है कि कब से जल रही है? या पहले कई साल हो गए। कई साल से जल रही है? पुराना जो परशुराम जी महादेव जी तपस्या किए ना। अच्छा, उसी टाइम उस जमाने से जलती है ये, तब से चला रखी है। अब कहाँ जाने का है अगला? अब अपन कच्चे ट्रैक होते हैं अपने होटल से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस गांव में सर राजपूत लोग रहते हैं? छोटा सा गाँव है, तो मतलब इनके जो पहले के लोग रहे होंगे वो यहाँ पे मतलब सैनिकों में रहते होंगे। राजा महाराजा के साथ ही रहते रहे वो। हाँ। जैसे उनके सेवक थे। हाँ, वही जो सेवा में हाजिर रहते थे। तभी कहते हैं जो राजपूत है बहुत हिम्मत वाले होते हैं। ये उन्हीं का गांव है। सोचा इनके एंसेस्टर्स राजा महाराजा के साथ उनके उसमें रहते थे। भैया ने बता रहे हैं जो किले के ज़माने में जब वो राजपूत रहते थे उनके साथ, राजा महाराजा के साथ, तो ऐसे उनके पास घर होते, इनमें रहते थे वो। और पीछे अभी भी निकली है पूरी मेथी की, वहाँ पे खेती थी और अभी तक खुशबू आ रही है पूरी मेथी की, पूरी मेथी के पराठे खाने का। हाँ, फिर यही कह रहा था मेथी के पराठे बना रहे थे ऐसे तोड़ के। हाँ, तो भैया वही बता रहे हैं कि कोटा स्टोन ऐसे देखते हैं, मगर ये वो है नहीं। जब लावा फटता है ना, तो उसके बाद बहुत सालों पहले तो ये यहाँ आके वो लावा जम गया था, तो ये उसका पत्थर है प्रॉपर। तो ये वाला व्यू देख के आपको लग सकता है कि शायद हम मनाली में आ गए हैं, तो भैया ने बोला, मगर मनाली नहीं है, राजस्थान में है, कुंभलगढ़ में। जैसा भैया ने भी बोला कि लगता है देख करके कुल्लू मनाली जैसा हो गया है ना। अगर नहीं, अरे वादियां देखो एक बार, अलग ही लेवल है। और भी भैया से मेरी सारी बातचीत चल रही थी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, भैया से आपको बात करके इतना अच्छा लगेगा जितने दिल से घुमाते हैं ना। सो जो मैंने आपको बोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उनका, आप इनको एक बार कॉल कर लेना जब भी अपना कुंभलगढ़ का प्लान बने। ये आपको ऐसा घुमाएंगे कि आप याद रखोगे इस चीज़ को। थैंक यू भैया, पहले तो आप हमें पहुंचने में भी टाइम है, लेकिन पहले ही थैंक यू दिल से आपको। थैंक यू भैया। चलिए, ये है जहाँ से जो फोर्ट है उसका निर्माण हुआ था, भैया ने हमारे को बताया। यानी पुराना रास्ता यही था मैम, जो अच्छा। अपन जो गए थे ना, हाँ। ये रास्ता और ये पुराना रास्ता जो अच्छा। राजा महाराजा ट्रैवल करते थे इसी रास्ते से। अच्छा।
घोड़े ऊंट वगैरह जो भी जानवर होते थे ना वो इसी एरिया से जाते थे और इधर ही आते थे। वो जो पहाड़ी जो अपन गए थे ना उस साइड में वो नया रोड बना हुआ, यहाँ से शुरू हुआ था बनना। और कहाँ पे है वो महल? सबसे लंबी घास राजस्थान की बैम्बू, ये हमने पढ़ा था ना, सबसे लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट ग्रास है बैम्बू, पांडास का फेवरेट। तो ये अगर आएगा एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लिख देना। भैया स्पेशली फूल लेने गए हैं। वाह, सुबह मुझे मोरपंख भी मिला था। सुंग देख, दिखाइए। अरे वाह, इसकी वैसी है जैस्मीन जैसी, जैस्मीन जैसी है ना, चमेली वाला पेड़, चमेली वाला। यस, मारो एक बार के यहाँ पे जाम क्यों लगा है? नहीं मार पाओगे, शादी हो रही है उसके लिए आगे बारात जा रही है। हाथी पे? हाँ, दूल्हा है हाथी पे। अभी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। आप बारात में जा रहे हो क्या? ये लड़की वाले ऊपर खड़े हैं और लड़के वाले ये नीचे डांस चल रहा है। दूल्हा जा रहा है हाथी पे, बताओ। अरे ऊंट वगैरह पे सब साथ आए हैं घोड़े के। अबे हमें नहीं बुलाया शादी में, हमें नहीं बुलाया। ड्रम देखो भाई। गाइस सामने फोर्ट है, उसकी लाइटिंग चल रही है, देखो वाह कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और अपने रिजॉर्ट के हम बहुत पास आ चुके हैं और वहाँ से दिख रहा है। सो गाइस वी आर जस्ट बैक, अभी बस आगे दो मिनट चेंज ही करा है और फटाफट हमने कहा कि यार कुछ खाने को मंगा लें। तो अभी हमने मंगाया है, कल जो हमने खाए थे ना पकौड़े, मेरे को इतने अच्छे लगे थे, हमने कहा भैया वही करा दो। तो एक पकौड़े ऑर्डर करे और दो चाय हमने मंगा ली है बस, क्योंकि डिनर के लिए भी जाना है फिर। जनरली आपको एक बात बताऊँ, हमने जो है ना सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। सुबह आपने देखा था हम ब्रेड बटर खा के यहाँ से निकले थे और उसके बाद आंटी के वहाँ जाके थोड़ी सी हमने बाटी खाई थी, तो उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया। सीधा शाम को जाके आधी आधी मैगी खाई, तो अब लगी ये भूख जोरों से, तो पहले ये खाते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश, उसके बाद होंगे डिनर में मिलते हैं उसके बाद। खाना यहाँ पे एकदम बढ़िया अपना मिलता है, ये अपने दाल तड़का, तड़का ऊपर से डालते हैं जो बहुत टेस्टी होता है। बाकी आज हमारे को थोड़ा नॉर्मल खाने का मन था, तो हमने कहा एक जीरा आलू करा देना साथ में, क्योंकि भैया हमसे रोज आके पूछ लेते हैं जो खाना है वो बन जाएगा। भैया ने स्पेशली हमारे लिए बिरयानी भी बनाई है। आप बिरयानी हमारे को इतनी अच्छी लगी है यहाँ पे कि हम तीनों दिन खाई है यहाँ पे बिरयानी, तीनों दिन सच्ची खाई है हमने। चलो एंजॉय करें। सो गाइस वी आर बैक इन आवर रूम, और यहाँ पे जो पीछे रूम की हमारे हालत हो रखी है मैं आपको भी दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा पैकिंग का सारा सामान बिखरा पड़ा है, पैकिंग करनी है बची हुई। 9:30 हो गए हैं और सुबह हमारे को निकलना है, बट सुबह थोड़े से काम भी हैं यहाँ पर। सुबह उठ के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शूट ख़त्म करना है अपना और उसके बाद देखते हैं। वैसे तो हमारे को जो भैया हमारे साथ जा रहे हैं कह रहे थे कल सुबह एक और ट्रैक पे चलो, कि जाना ही जाना। हमने कहा भाई हद करो, आ जा, क्योंकि अभी जो है ना हमारी जो लेग्स हैं वैसा लग रहा है गोटे खेल के रहेंगे ऐसे, बहुत पूरी बॉडी टूट चुकी है, पर ये वर्थ है ऐसी चीज के लिए, बॉडी थकाना चलेगा। एंड आई एम श्योर आपने यहाँ तक अगर जिन्होंने हमारी सीरीज अब देख ली है, क्योंकि अभी कल का पूरा दिन है, वैसे क्या होता है कल वी डोंट नो, बट अगर आपको अच्छा लगा है ना यार, तो आप प्लीज़ हमारे ये वीडियोस ना शेयर ज़रूर करना। हमारे को कमेंट भी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऐसे आते हैं, उस दिन भी किसी ने लिखा कि आपका कॉन्टेंट अच्छा है लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। देखो हमारा ना अभी क्या सीन है, मेरा और यशवी का जितने भी हम पैसा जो सेविंग होती है कुछ भी होता है पूरा हम चैनल चलाने में डाल रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं। क्या है सच में, इट्स नॉट इजी। तो अगर आप लोग सपोर्ट जितना कर सकते हो ना तो अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस लाइक कर दिया करो। चलो जो भी है कल अब निकलना है, अभी खत्म करें, सोना है क्योंकि थके हुए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है फिर चलो। मिलते हैं आपसे कल दोबारा। आप हैं तो हमें, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बाय बाय।